अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा और तालबात, उम्मीद है कि आप सब बाहर वाफिर से होंगे। ऑफलाइन सेशन में आपका फिर से खैर मकदम। तो प्यारे बच्चों, ये जमात सातवीं है, हमारा मज़मून उर्दू है। हमारा मौजू आज का न्यूटन के कारनामे। तो बच्चों, पहले सबक में हम पढ़े इसके तीन उसूल। आपको उम्मीद करती हूँ, ये आपका रिवीजन चल रहा है, आपको याद भी होगा कौन से तीन उसूल हमने पढ़े थे। तो इसने दरियाफ्तें जब की थी रोशनी पर तजर्बे करते हुए, इसने बताया था न्यूटन ने कि सफ़ेद रोशनी दरअसल सात रंगों की रोशनी का मरकब है, जिन्हें हम अलग अलग किया जा सकता है। इन चीज़ों की हरकत के बारे में उसने इन्हीं चीज़ों के तीन उसूल दरियाफ़त किए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपने उस सबक का याद रखा होगा। पहला उसूल ये था कि कोई साकन चीज़ तब तक मुतहरक नहीं होगी और कोई मुतहरक चीज़ तब तक साकन नहीं होगी जब तक इस पर ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। दूसरे उसूल में बताया था कि हरकत की रफ्तार ताकत के तनासब से बदलती है। तीसरे उसूल में इसने बताया न्यूटन ने कि हर अमल का मसावी और उल्टा दर अमल होता है। इन उसूलों ने न सिर्फ साइंस के इल्म को एक नई वस्त दी, बल्कि अमली ऐजादों को भी फ़रोग दिया। तो बच्चों, इसके आगे भी हम पढ़ेंगे कि उसने न्यूटन ने ज़मीन और सूरज के वज़न का शुमार किया। समुद्री ज्वार बाटा को भी इसने चांद और सूरज की कशिश का नतीजा करार दिया। तो न्यूटन ने रियाजी के इलम में कुछ नए इजाफे किए, जिससे आज सभी उलूम मुस्ताफीद हो रहे हैं, क्योंकि नई हदों को छूने के बाद रियाजी का इतलाक न सिर्फ ज़्यादा वसी किस्म के मसाइल पर होना मुकम्मल होगा, बल्कि मुतारक फार्मों के लंबे चौड़े अरबों की जगह ले ली। न्यूटन अपने तहलील की उड़ान से मालूम इलम की हदों को फांता कुदरत की गहराइयों तक पहुँच कर इसके राज ढूंढा लाता था, जिसके मफहूम को वो अपने साइंसी दिमाग से इशारा करता। साइंस के मैदान में इसका ये शायराना अंदाज इसकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नमाया था। न्यूटन अपनी बनाई हुई दुनिया में ही बसता था। उसे अक्सर अपने लिबास, रहन सहन के ढंग और खाने पीने की साधना रहती थी। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना जी बहलाना था। वो साइंस के तजर्बे महज अपनी तस्कीन के लिए करता था, अपनी खुशी के लिए। ठीक है बच्चों, उसको इसमें बहुत इंटरेस्ट था। कशिश का होता है वो कशिश जिससे अजसाम ज़मीन के मरकज़ की तरफ माइल होते हैं। तो बच्चों, तनावर पौधा होता है मोटा ताज़ा पौधा। तो इसमें दो तीन अल्फाज आए हैं, मसावी जो हमने पढ़ा, मसावी हो गया बराबर, बराबर उसूल थे। ज्वार बाटा हो गया समुंदर का उतार चढ़ाव। ठीक है बच्चों, तो रियाजी की मशीनों से न्यूटन का बुनियादी मकसद क्या था? अपना जी बहलाना। वो साइंस के तजर्बे महज अपनी तस्कीन के लिए करता था, तस्कीन के लिए करता था। उसे अपनी दरियाफत और ऐजाद शाया करने का शौक़ ना था। इसने अपने दोस्तों से कहा, मैं कुछ भी शाया नहीं करूँगा क्योंकि इससे जानकारों की तादाद में इजाफा होता है। तो बच्चों, ये सबक आज का है, इंशाल्लाह कल इसे आगे भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।